बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू की लोकसभा इलेक्शन में हुई भारी हार के बाद झारखंड में मिली जीत ने मानो उन्हें जिंदा ही कर दिया हो। इसके चलते आने वाले 2020 इलेक्शन में लालू की सरकार ने ठान लिया है कि वे अपने मास्टर प्लान के जरिए सत्ता में अपनी पकड़ बनाएंगे। लालू सरकार का मास्टर प्लान जो भी है, उसकी बागडोर लालू के बेटे तेजस्वी के हाथ ही है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है लालू सरकार का मास्टर प्लान। लालू ये बखूबी जानते हैं कि सत्ता में उठ रहे मुद्दों को कैसे भुनाया जाता है और कैसे मुद्दों का सहारा लेकर की जाती है सत्ता में वापसी। और इस बार लालू सरकार जिस मुद्दे पर निशाना साधे हुए है वो है NRC और नागरिकता संशोधन कानून, जिसको मुद्दा बनाकर लालू सत्ता में वापसी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 में भी लालू ऐसे ही किसी मुद्दे का सहारा लेकर सत्ता में आए थे। लालू ये अच्छी तरह जानते हैं कि मौके और मुद्दों का कैसे फायदा उठाया जाता है। लालू सरकार की तरफ से CAA के चलते मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी बिहार के दौरे पर निकलेंगे और उनकी ये यात्रा की शुरुआत सीमांचल के ही इलाकों में ही होगी। बता दें कि बिहार के इसी इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। इससे साफ नजर आ रहा है कि लालू किस तरह सत्ता में आने के लिए CAA का सहारा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर उनका ये मास्टर प्लान काम करता है या नहीं। भले ही विपक्षी पार्टी लालू के इस मास्टर प्लान को हल्के में ले रही हो, लेकिन लालू को करीब से जानने वालों का मानना है कि लालू ऐसे मुद्दों को बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं और वे बखूबी जानते हैं कि कैसे मुद्दों के साथ खेला जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या लालू की गैर मौजूदगी में उनके बेटे तेजस्वी उनका ये मास्टर प्लान सही तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं या फिर NDA एक और चक्रव्यूह बनाकर RJD को फंसाएंगी। LD न्यूज रूम से भावना की रिपोर्ट।